हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने फर्स्ट डे के अंदर 24 आवर के अंदर ग्रैंड मास्टर को अचीव तो कर लिया था एंड साथ साथ मेरी रैंक यहां पर हो चुकी थी 202, जिसके साथ साथ मेरा 6000 स्कोर भी कंप्लीट हो चुका था एंड मैं सोलो के अंदर यहां पर रीजन के अंदर विंस के मामले में टॉप 1 पे चल रहा था 54 विंस के साथ। एंड इसी के साथ साथ हमने यहां पर वेपन ग्लोरी के अंदर इंडिया AWM का टॉप 3 को भी हासिल कर लिया था। अब जैसे कि आपको पता है कि मैं केवल सोलो खेल रहा हूं विदाउट आईडी शेयरिंग के, तो यहां पर जितना टाइम मेरी आईडी ऑफलाइन रहेगी उस हिसाब से मैं नीचे भी गिरते रहूंगा। अब यहाँ पर काफी टाइम बीतने के बाद मेरा स्कोर कहाँ पर पहुंचा था आप लोग ही देखो, 2142। मतलब कि मैंने कुछ गेम्स भी खेले, मतलब कि 100 से ऊपर प्लस भी निकाला, बट फिर भी मैं 2000 से नीचे चला गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, तो अभी अपना रैंक यहाँ पर है ग्रैंड मास्टर 3, तो हम ग्रैंड मास्टर 4 के लिए अचीव करेंगे एंड टॉप 2000 के अंदर जाने का भी ट्राई करेंगे एंड इसी के साथ मेरे यहाँ पर गेम्स भी 100 कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं रैंकिंग के हिसाब से कहाँ पर चल रहा हूँ, तो मैं सोलो रीजन विंस के हिसाब से 23 नंबर पे जा चुका, मतलब कि काफी पीछे 56 विंस के साथ। एंड वहीं AWM की बात करें तो AWM के अंदर में मैं काफी नीचे गिर चुका हूं एंड यहां पर मेरी रैंक टॉप 3 पे थी एंड टॉप 47 पे पहुंच चुका हूं। खैर यहां पर हम अकेले खेल रहे विदाउट आईडी शेयरिंग, तो कोई बात नहीं, तो चलो आज के मैच को फटाफट करते हैं स्टार्ट। अब ये था हमारा आज का पहला मैच जहाँ की मेरे पास AWM साथ में शॉटगन थी एंड एक बंदा ऊपर वाली साइड चढ़ा था भीमा शक्ति के एंड मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे चुका है एंड उसके बाद SVDY है, साथ में उसने स्किल ब्लॉकर भी मार दिया है। यहाँ पर मेडिकेट लग जानी चाहिए, ओके मेडिकेट तो मार लिए, बाकी मेरा अभी तक 0 किल है। पहला लगता है एलिमिनेशन हमको इसी से मिलेगा, अगर ये निकलेगा तो उसको हेडशॉट लेने का ट्राई करेंगे। ग्लू मेटल डाल दिया और हेडशॉट के साथ खत्म, मतलब क्या ही ओपी वाला शॉट लगा। खैर फटाफट अभी जोन के लिए निकल जाते हैं। अब इसके समय फटाफट ब्रिज के ऊपर आता जहाँ की सेफ जोन भी था एंड सामने साइड बंदा भी दिखता है जिसको मैं यहाँ पर हेडशॉट देने का ट्राई करता हूँ, बट इसको बॉडी शॉट लग जाता है जिसके बाद की राइट में फायर कर रहा था एंड मैं उस साइड को देखने लग जाता हूँ कि कोई एनिमी तो होगा उस साइड। इतने में एक मॉन्स्टर वाला बंदा आता है जिसको मैं 80 का डैमेज देता हूँ एंड अचानक से इसको भी हेडशॉट पड़ जाता है, मतलब कि 2 किल अपने निकल जाते हैं। अब इसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर वेट करता हूँ कि इतने में एक और बंदा मेरे पे रश कर जाता है जो कि ऊपर साइड ब्रिज पे आ जाता है एंड जैसे ही मेरे को सामने साइड दिखता है इसको भी हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ, मतलब कि 3 किल निकल चुके हैं, तीनों के तीनों हेडशॉट निकले हैं। खैर अभी फटाफट इसको लूट करते हैं, फिर फटाफट हमको नीचे की साइड निकलना पड़ेगा क्योंकि जोन भी नीचे वाली साइड है। अब इसके बाद मैं लास्ट जोन के अंदर पहुंचा था जहाँ की लास्ट के 2 ही बंदे अलाइव है। अभी हमको यहाँ पर बुया निकालने के लिए इन दोनों बंदे को खत्म करना है, बाकी मेरे को लगता नहीं है, लगता है यहाँ पर हील बैटल का मौका आ चुका है, तो मेरा थोड़े बहुत हेल्थ भी कम है, तो फटाफट मैडी मारना स्टार्ट करते हैं एंड लगता है यहाँ पर सुपर मैडी अपनी खत्म ना हो जाए बस। एंड अपने पास मैक्सिमम तो है नहीं, तो देखते हैं यहाँ पर हील बैटल निकल पाता है या नहीं। ओके इधर ही बंदा है शायद, ओके एक तो एलिमिनेट हो चुका है एंड ये बंदा यहाँ पर ओरियन चार्ज कर लिया जिस वजह से मैं ही एलिमिनेट हो चुका हूँ एंड इसके तुम्हारा पहला मैच यहाँ पर बुया नहीं निकल पाता। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। भाई जिंदगी में खोना और पाना तो चलता ही रहता है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहाँ सिर्फ तुम मेगा रिवॉर्ड्स और बम्पर विनिंग हर रोज पाओगे। ये प्लेटफॉर्म है विनमैच, जो की इंडिया की बेस्ट गेमिंग साइट है। यहाँ तुम 5000 प्लस थ्रिलिंग गेम्स जैसे एविटर, पोकर, केनो, प्लिंको खेल कर ढेर सारा रियल कैश कमा सकते हो। विनमैच का सबसे अच्छा फीचर है कि इस पर मिनिमम डिपॉजिट 100 है और बहुत से गेम्स जो कि सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट होते हैं और विनिंग अमाउंट 10 करोड़ तक जाते हैं। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे स्पोर्ट का आउटकम प्रेडिक्ट करके आप इजीली बड़ी विनिंग कर सकते हो। विनमैच की साइट पर साइन अप करना बिल्कुल फ्री है और साइन अप पर 100% वेलकम बोनस मिलता है जो की आपके डिपॉजिट को तुरंत डबल कर देता है। डेली फ्री कैश बैक, लॉयल्टी पॉइंट, रेफरल बोनस जैसे ऑफर भी है जो आपकी विनिंग के चांसेस और भी बूस्ट करते हैं। साइट 100% सिक्योर और लीगल तो है ही, साथ ही इसे राणा दगोबती, कृष्णा अभिषेक, की कुछ शारदा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी प्रमोट करते हैं, इसलिए सिक्योरिटी की कोई भी दिक्कत नहीं है। साइन अप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से रजिस्टर करो और एक्स्ट्रा कैशबैक के साथ करो बिग विनिंग। अब बात करें गाइस ये वाली मैच की, तो इस वाली मैच के अंदर मेरे 5 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 7 बंदे अलाइव थे। इतने में मैं जोन के लिए निकल रहा था एंड ऊपर से एक बंदा मेरे को बार बार डैमेज दिए जा रहा है। खैर इसको एलिमिनेट तो करना है, बाकी अपने को भी निकलना पड़ेगा जोन एंड एक और बंदा एलिमिनेट हो चुका है, इसने ग्लू वॉल मार दी। ओके थोड़ा बहुत डैमेज, बट मेरे को काफी ज्यादा डैमेज आ चुका है। अब मैं इसको जोन में ही काफी डैमेज दे देता हूँ, फिर इसके बाद से मैं इसको थोड़ा डैमेज मारता हूँ एंड फाइनली ये खत्म भी हो जाता है, जिसके साथ साथ मेरे 6 किल कंप्लीट हो जाते हैं एंड अभी लास्ट के 5 ही बंदे बचे हुए हैं, तो फटाफट मैडी मारते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में वॉल भी लगी हुई है, शायद वहाँ पर एनिमी हो सकता है, तो अपने पास लॉन्च पैड भी है वैसे जोन निकलने के लिए, बाकी एक बारी चेक कर लेते हैं इस साइड, उधर शायद कोई हो तो सकता है। वो वाली वॉल वैसे ब्रेक हो रही है, खैर अपने पास जो लॉन्च पैड है इसका यूज करेंगे हम अभी एंड ऊपर की साइड निकलने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि जोन भी श्रिंक होने में कुछ ही टाइम बचा हुआ है। क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है वहाँ पर कोई नहीं है, ओके वहाँ पर ऑलरेडी कोई एलिमिनेट हो चुका है,
तो अभी हमको यहाँ से जोन निकलना है, तो फटाफट यहाँ पर लॉन्च पैड का यूज करते हैं। यहाँ पर लॉन्च पैड यूज करते ही आधे में से ही छूट गया। खैर कोई ना, ऊपर वाली साइड बंदे फाइट कर रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से। हम किल निकाल पाए तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि सामने ही मेरे को एक बंदा दिखाई दे रहा है। डैमेज 192। यहाँ पर सामने दो से तीन बंदे फाइट कर रहे हैं, लॉन्चर तो हमने मार दिया है, बाकी वो बंदा वहाँ से निकल चुका है। यहाँ पर मारते हैं। ओके डैमेज आया, वो दूसरे बंदे को डैमेज आया है। शायद वहां पर कोई नहीं है, किधर से बंदा भाग रहा है। शॉट मिस हो गया, लास्ट के दो ही बंदे बचे हुए हैं। ओके एक और बंदा खत्म हो चुका है, जस्ट आखिरी का एनिमी बचा हुआ है। डैमेज एक और बार डैमेज, इसको दो बार शॉट मारा बट एलिमिनेट ही नहीं होता। शायद उसके पास भी ज़्यादा एचपी होगी, जैसे मेरे पास है 280। ग्लू मेल्टर तो हमने डाल दिया है। अगेन शॉट मिस हो गया यहाँ पर, इसकी वॉल तोड़ते हैं। ओके फिर से भाग गया, मेरे पास वैसे ग्रेनेड बचे हैं, ग्लू मेल्टर तो बचा है, बाकी नेड नहीं है अपने पास। वो बंदा ग्रेनेड फेंक रहा है, अभी इसको क्लोज में जाके ही मारना पड़ेगा। ओके डैमेज, भाई उसने भी काफ़ी एचपी डाउन कर दी मेरी। स्काइलर मार दिया डैमेज, और फाइनली ख़त्म। स्काइलर की गलती से खुद ही मर गया। इसके साथ हमारा ये वाला मैच भी बुया निकल जाता है। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो 5 किल मेरे निकल चुके थे, लास्ट के यहाँ पर 2 ही बंदे अलाइव थे। एक बंदा मेरे ऊपर वाली साइड है एंड एकदम लास्ट का ही जोन आ चुका है। एक को डैमेज, ओके एक और बार डैमेज, दो बार उसको मैंने डैमेज दे दिया है, जस्ट वो एक ही गोली का होगा। आगे साइड तो निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे निकलते हैं। ये भी डैमेज दे रहा है मेरे को, और फाइनली ख़त्म। जस्ट आखिरी का ही एनिमी बचा हुआ है जो कि सामने वाली वॉल के पीछे है, निकलते हैं उसके पास। के KWM का शॉट कनेक्ट करते हैं। डैमेज एक और बार डैमेज, पता नहीं ये ग्लिच हो रहा है क्या हो रहा है पता नहीं। मैं दो बार डैमेज तो मार रहा हूँ एनिमी को, पर शायद एक ही शॉट काउंट हो रहा है। ओके थोड़ा बहुत और डैमेज, और फाइनली ख़त्म। तो इसके साथ हमारा 7 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल जाता है। बूया बूया बूया। अब बात करें गाइस ये वाली मैच की, तो मेरे 4 किल निकल चुके थे, लास्ट के 3 ही बंदे अलाइव थे एंड मेरे पास AWM साथ में शॉटगन थी। इतने में एक बंदा अचानक से मेरे सामने आता है, जिसको मैं AWM साथ में शॉटगन मार के खत्म कर देता हूँ एंड फटाफट इसको फिनिश भी कर देते। चलो एंड हमको हॉरिजॉन में मिल चुका है, क्योंकि सामने साइड बंदा, और फाइनली ख़त्म। तो इसका 6 किल के साथ हमारा ये वाला मैच भी निकल जाता है। बूया बूया बूया, जिसके अंदर हमको टोटल 32 का प्लस मिल जाता है एंड साथ साथ हमारा फाइनली यहाँ पर ग्रैंड मास्टर 4 के लिए रैंक भी आ जाता है। एंड जैसे मैं बैक करता हूँ तो हमारा यहाँ पर आ चुका था कि ग्रैंड मास्टर 4 पे हम पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ पर बात करें तो हमारा 1925 रैंक हो चुका है एंड साथ साथ यहाँ से आगे 6766 पर अगला रैंक है। तो मैं मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और बात करें गाइस ये वाली गेम की, तो यहाँ पर मेरे 3 किल निकल चुके थे, लास्ट के यहाँ पर 4 बंदे अलाइव थे। इतने में मॉन्स्टर ट्रक लेकर यहाँ पर आ जाता हूँ, जहाँ पर कि मैं इसके ऊपर जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ से बंदों को एलिमिनेट करूंगा, क्योंकि सभी बंदे यहाँ पर गाड़ी लेके घूम रहे थे, तो किसी ना किसी को तो मारना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ सभी की सभी गाड़ी में घूम रहे थे, इतने में एक ही गाड़ी को तोड़ देता हूँ एंड जैसे ये निकलेगा उसको भी डैमेज देंगे। बट इसने ग्लू वॉल मार दी लॉन्चर एंड यहाँ पर कितने सारे बंदे मॉन्स्टर वगैरह लेके घूम रहे हैं। वेट एक बंदा सामने दिख रहा है, इसको पहले ख़त्म करते हैं। चलो ख़त्म, एक गाड़ी लेके भाग रहा है, हेडशॉट, एक और बंदा, और फाइनली ख़त्म। एंड देखते देखते मैं यहाँ पर 3 किल निकाल लेता हूँ। जस्ट लास्ट का बंदा, उसने आयरिस करेक्टर का यूज कर लिया। ओके 2 बार 159, यही मेरे साथ हो रहा है। जितना मैं जल्दी AWM का स्विच कर रहा हूँ ना, उतनी जल्दी में यहाँ पर डैमेज भी काउंट नहीं हो रहा मेरे को, तो यही लग रहा है। मतलब कि ज़्यादा जल्दी स्विच कर रहा हूँ तो डैमेज काउंट ही नहीं हो रहा। खैर वो बंदा भी मेरे पे लॉन्चर मार रहा है, मैडी मार लेते फटाफट। कि वो लॉन्चर मार रहा है मेरी ग्लू वॉल पे, मेरे पास ग्रेनेड है, फेंक देते हैं, क्या पता डैमेज आ जाए। ओके एक और बार डैमेज, आगे निकलते हैं, ग्लू मेल्टर डाल देते हैं इस पे। ओके ये बंदा उधर साइड भाग गया, ये गाड़ी ना पकड़ ले बस। लॉन्च पैड को पहले वेस्ट कर देते हैं, फिर पहले गाड़ी तोड़ देते हैं, नहीं तो ये गाड़ी पकड़ के मेरे को उड़ा सकता है। ओके अभी निकल के आएगा, जस्ट 11 का डैमेज आया, वो भी शॉर्ट गन से। ओके थोड़ा बहुत और डैमेज, जस्ट एक ही गोली का बचा होगा। ओके AWM के साथ खत्म।
तो फाइनली गाइस 7 किल के साथ हमारा ये वाला मैच भी निकल जाता है, बूया बूया बूया, जिसके अंदर कि हमको टोटल 7 किल के साथ 35 का प्लस मिल जाता है एंड साथ साथ 2 की स्ट्रीक भी। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाली मैच की, तो यहाँ पर 27 बंदे अलाइव थे एंड मेरे को AWM नहीं मिली थी। यहाँ पर अभी मैंने एक बंदे के साथ फाइट की बट उसको किल कोई और ही ले गया एंड यहाँ पर मेरे को फाइनली यहाँ पर एक AWM मिल जाती है। मतलब कि AWM ढूंढने के लिए मेरे को वेंडिंग मशीन पे नहीं जाना पड़ता एंड मैं फटाफट AWM उठाता हूँ एंड इसके बाद से सीधा निकल जाता हूँ आई की साइड। जैसे मैं यहाँ पर पत्थर के यहाँ पर पहुंचता हूँ, दो बंदे यहाँ पर गाड़ी लेके आ रहे थे, एक बंदा मॉन्स्टर में आ रहा था एंड मैं इस पर AWM का डैमेज देने का ट्राई करता हूँ एंड जैसे ही 2 बार 83 कनेक्ट करता हूँ लास्ट में इसको हेडशॉट पड़ जाता है, जिसके बाद इसका सोनिया एक्टिव होता है एंड फाइनली ये भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद हमारा पहला किल निकल जाता है। अब इसके बाद मैं मॉन्स्टर लेके इधर उधर घूम रहा था बंदों को ढूंढने के लिए, इतने में एक बंदा सेफ जोन में यहाँ पर चार्ज करता है ड्रॉप को, तो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ एंड इसको एलिमिनेट करने का ट्राई करता हूँ। उसने यहाँ पर गाड़ी भी रखी हुई है तो इसकी गाड़ी तोड़ देते हैं पहले, नहीं तो ये गाड़ी लेके भाग सकता है। लॉन्चर, उसने शायद मेरे को देख लिया है और हेडशॉट के साथ ये भी खत्म। अब इसके असर मैंने फटाफट गाड़ी को फिर से पकड़ लिया एंड फिर से एनिमीज की तलाश में निकल जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर सेकंड लास्ट जोन के अंदर पहुंच जाता हूँ, जहाँ के सारे बंदे ऑलमोस्ट गाड़ी का ही यूज कर रहे थे एंड मेरे पास AWM तो ऑलरेडी थी। इतने में एक बंदा मॉन्स्टर लेके मेरे सामने से निकल के आता है एंड मैं इसको गाड़ी के अंदर 83 का डैमेज देता हूँ एंड फिर से एक और बार शॉट कनेक्ट करता हूँ तो ये एलिमिनेट ही हो जाता है, जिसके साथ हमारे यहाँ पर 3 किल कंप्लीट होते हैं। इतने में एक और बंदा मेरे को सामने की साइड दिखता है तो मैं इसको भी यहाँ पर डैमेज कनेक्ट करता हूँ एंड फिर से मारने का ट्राई करता हूँ, तो पीछे से मॉन्स्टर वाला आके इसको उड़ा देता है एंड मेरा किल भी चोरी कर देता है। हालांकि उस मॉन्स्टर पे 2 बंदे बैठे हुए हैं, अपने भी निकलना पड़ेगा, मेरे मॉन्स्टर ट्रक को कोई तोड़ है एंड इसकी काफ़ी कम HP कर दी है मेरी मॉन्स्टर ट्रक की, निकलना पड़ेगा इसको लेके। एंड अभी देखो आप 2 से 3 बंदे तो यहीं पर गाड़ी यूज कर रहे हैं, ऊपर भी साइड मॉन्स्टर ट्रक का ही यूज कर रहे हैं सभी लोग। अब मैं इसके बाद अपने मॉन्स्टर ट्रक लोग की इस रिज पर आता हूँ, यहाँ पर वेट करता हूँ कि कोई बंदा आएगा तो उसको यहाँ से डैमेज देंगे एंड सामने से मॉन्स्टर ट्रक वाला जा रहा है, पहले इस बाइक वाले को मारने का ट्राई करते हैं। डैमेज, अभी मॉन्स्टर वाले को मारते हैं, इसका तो मॉन्स्टर तोड़ दिया हमने, निकलेगा ये। ओके डैमेज, एक और बंदा आ रहा है मेरी साइड में, मॉन्स्टर लेके निकलते क्योंकि जोन आ गया है। ये ले भाई साहब, इसको तो उड़ा दिया भाई, ये बंदा कहाँ चले गया, उसको किसी और को ही किल मिल गया बट वो कितना दूर जाके गिरा। खैर यहाँ पर अभी लास्ट के 7 बंदे अलाइव हैं एंड अभी के टाइम सभी के सभी गाड़ी का ही यूज कर रहे हैं। अब मैं अपने ट्रक को लेकर निकल जाता हूँ बट मेरा ट्रक यहाँ पर फंस जाता है, जिसके बाद मेरे को जोन में भी डैमेज आ रहा था तो मैं फटाफट मैडी भी मारते रहता हूँ एंड यहाँ से निकल जाता हूँ एंड लास्ट के अभी 4 ही बंदे बचे हुए हैं एंड सभी के सभी यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक पे एंड एक ही बंदा यहाँ पर बाइक पे है, तो यहाँ पर मॉन्स्टर को उड़ा देते हैं। भाई क्या ही उड़ रहे हैं यहाँ पर, एकदम खतरनाक के कार रेस चल रही है या मॉन्स्टर ट्रक रेस चल रही है पता नहीं। भाई ये किसने मारा, 3-4 बार मैं तो फ्लिप हो गया हूँ यहाँ पर, अभी 4 बंदे हैं, इनको कैसे ना कैसे तो हैंडल करना है। भाई ये मेरे ट्रक को क्यों तोड़ रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतनी कम HP बची हुई है इसकी वैसे ही। एक काम करते हैं यहाँ पर अपने मॉन्स्टर ट्रक को बढ़िया से लगाते हैं एंड यहाँ पर अपने के लिए कवर बनाते हैं ताकि हम इसको मार सके। ओके यहाँ पर परफेक्ट है, इससे हम लूट भी कर लेते हैं। चलो लॉन्चर भी मिल चुका है अपने को। ओके अभी इनको फायर करते हैं, डैमेज, एक को तो मैंने हेडशॉट के साथ ही ख़त्म कर दिया एंड अभी लास्ट के 3 बंदे। अच्छा वो मैं थोड़ा सा आगे नहीं था, नहीं तो ये मेरे को एलिमिनेट कर देता। भाई क्या ही बचाऊँ मैं, किस्मत थी मेरी। भाई ये बंदा कहाँ जाएगा मॉन्स्टर लेके। ओके उतर चुका है, डैमेज और फाइनली ख़त्म, 5 किल निकल चुके हैं, लास्ट के 2 ही बंदे बचे हुए हैं। इससे नेट वगैरह भी उठा लिया हमने कि गाड़ी तोड़ते, एक बंदा जोन के अंदर, मैं अपनी भी मॉन्स्टर ट्रक को लेके निकलता हूँ। भाई ये क्यों अपने आप ही उछल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं वाला गेम खेल रहा हूँ जो हिल क्लाइंब रेसिंग था वो वाला। ये बंदा भी लेके चल चुका है मॉन्स्टर को, यहाँ पर उतरेंगे हम एक जगह पे तो उतरना ही पड़ेगा। भाई कोई भी गाड़ी से नहीं उतर रहा बताओ, देखो तो इनके ऊपर चढ़ते हैं। भाई मैं एंटर कैसे हो गया अपने आप ही एंड इसका तो कोई काम ही नहीं है लॉन्चर का, ये वाले का अगर विदाउट बॉल वगैरह पे मारोगे तो कोई काम का ही नहीं है ये। इसका मॉन्स्टर तो तोड़ना है अपने को, मैं पता नहीं अपने आप ही एंटर सा हो जा रहा है। ओके ये आ चुका है, इसका मॉन्स्टर तोड़ देते हैं, ये तो टूट चुका है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा अपने को। चलो नॉक, भाई जोन भी आ चुका है, और बंदा पैक करना पड़ेगा, पहले सुपर मैडी मारते। भाई इसने आयरिस का यूज कर लिया, डैमेज, चलो खत्म,
और फाइनली खत्म। तो 7 किल के साथ हमें ये वाला मैच भी फाइनली निकल चुका है, बुया बुया बुया। एंड ये वाली मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर प्लस मिल चुका है 36 का, मतलब कि क्या ही बुया निकला है, एकदम ओपी वाला बुया निकला। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। एंड हमारा करंट स्कोर कितना हो चुका है, तो यहाँ पर 1751 नंबर हो चुका है एंड 6363 रैंक हो चुकी है, मतलब कि हमको 6766 पे यहाँ पर अगला रैंक मिलेगा। एंड टोटल बात करें तो हमने टोटल 100 गेम्स खेल ली है, जिसके अंदर 59 विंस निकल चुके हैं एंड 455 एलिमिनेशन भी, एंड 40 का हेडशॉट रेट भी बन चुका है अपना। बाकी यहाँ पर लीडर बोर्ड भी चेक कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत तो ऊपर आ ही चुके होंगे। एंड यहाँ पर सोलो विंस के मामले में हम 21 नंबर पर आ चुके हैं, 59 विंस हैं। कुछ और विन करेंगे तो हम टॉप 10 के अंदर भी निकल के आ ही जाएंगे। एंड यहाँ पर वेपन ग्लोरी की बात करें तो AWM के अंदर हम यहाँ पर टॉप 37 पे आ चुके हैं। यहाँ भी हमें टोटल 20 गेम खेलने की पड़ेगी, तब जाके हम टॉप 10 के अंदर आ पाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप लोग वीडियो पे अभी तक बने हो तो टॉप 10 सून जरूर से लगा देना, ताकि मुझे पता लग सके। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। इस वीडियो को हम लाइक गेम रखते हैं 3K लाइक, तो करवा देना गाइस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।